केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बलरामपुर के दौरे पर थे। इस दौरान बलरामपुर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र के आम सभा को संबोधित किया। सबसे पहले सामरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सिद्धानंद पैकरा के लिए कुसमी में आम सभा को संबोधित किया। वहीं रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रामकिशन के लिए बलरामपुर में आम सभा को संबोधित किया। बलरामपुर आए केंद्रीय मंत्री राजनाथ ने कहा कि बलरामपुर दूसरी दफा आया हूं और स्वागत दोनों तरफ से होना चाहिए। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रामकिशन सिंह के लिए वोट मांगने आया हूं। दूसरी बार आया हूँ ना, स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं आया हूँ तो रामकिशन सिंह जी के लिए वोट मांगने आया हूँ। और बहनों भाइयों, रामकिशन सिंह यदि जीत कर जाएंगे मुख्यमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा तो डॉक्टर रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए रामकिशन सिंह अपना। राजनाथ सिंह ने रमन सिंह की तारीफ करते हुए कहा, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो महुआ चुनने वाले लोगों को चरण पादुका पहनाने की सोचे और उसका विरोध हो। डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा होगा, कभी क्रोध नहीं देखा होगा। बहनों भाइयों, ऐसा मुख्यमंत्री आपको देखने को नहीं। महुआ चुनने के लिए हमारी माँ बहने जा रहे तो उनके पांव में कांटे न चुभने पाए, इसलिए आदिवासी माताओं बहनों के चरणों में चरण पादुका पहनाने का जो मुख्यमंत्री काम करे। वही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सावधान करते कहा कि जो व्यक्ति पार्टी का विरोध करेगा वो पार्टी में नहीं रह सकता, ये मैं आज कह के जा रहा हूँ। वो अभी आगे बढ़ेगा, जो पार्टी का विरोध करेगा वो पार्टी में नहीं रह सकता है। मैं आज सफा कर जा रहा हूँ और मैं इस बात को मैं देखूंगा। वहीं राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ही बिना दूल्हे की बारात है। हमारे पास तो हमारा दूल्हा है जो गुस्सा नहीं करता, मीठा बोलता है, काम करता है। कांग्रेस की हालत वैसे ही बहुत पतली है, पता ही चुनाव होता है, हर राजनीतिक पार्टी ये तय कर देती है कि हमारा मुख्यमंत्री फला व्यक्ति होगा। ये तय ही नहीं कर पा रहे, बारात लेकर चल दिए, दूल्हा का पता ही नहीं। अरे भाई, हमारा दूल्हा तो पक्का है, हमारा दूल्हा गुस्सा करता है, हमारा दूल्हा मीठा बोलता है, हमारा दूल्हा काम करता है, सब करता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली की सरकार जिगर वाली सरकार है, अगर छत्तीसगढ़ में रमन की सरकार बनती है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि जिले में भी नक्सलियों की 15 साल पहले से मौजूदगी थी, जो अब नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ ही नहीं पूरे भारत में नक्सलवाद नहीं रहेगा, 3-4 सालों में समाप्त हो जाएगा। हम नक्सलियों को कह रहे हैं कि वे पुनर्वास नीति से आए और समाज के मुख्य धारा से जुड़े। नक्सलवाद का असर पहले इधर भी थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू हो गया था, बहुत पहले कुछ था ना कि नहीं था, बहुत था, समाप्त हो, समाप्त है ना, इधर समाप्त है ना। मैं आज आप गृहमंत्री होने के नाते बताकर जा रहा हूँ, 3-5 वर्ष के अंदर सारे हिंदुस्तान से समाप्त होकर रहे। और मैं तो कहता हूँ अभी नक्सलवादियों से कि आप लोग हथियार लेकर सरेंडर करो, हम आपके पुनर्वास की व्यवस्था करें, हम किसी की जिंदगी नहीं लेना चाहते। वही रामानुजगंज विधानसभा सीट पर भाजपा से बगावत कर विनय पैकरा मैदान में है। अब देखना ये है कि उनके बगावत से भाजपा को कितना नुकसान होता है। रामकिशन सिंह का विरोध करने का कारण बाहरी प्रत्याशी बताया गया था। यह सरकार भारतवासियों का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देगी, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं अपील करने आया हूं, यहां यदि भाजपा की सरकार बनती है, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मोदी जी भी उससे मजबूत होंगे, उनको भी ताकत मिलेगी। For more information, log on to www.clips.in.